अभी हम खड़े हैं कृष्णा और पंचगंगा नदियों के संगम स्थान पर, जो कि नरसोबा की वाड़ी सांगली और मीरज के पास जो है, मेरे पैतृक ही कहूँगा कुरिंदवाड़ के पास में नरसोबा की वाड़ी, जहाँ दत्त भगवान का स्थान है। ये कृष्णा माई पीछे से आई है सांगली की तरफ से, और इधर जाएगी आगे जो जाके कावेरी में मिलेगी। कृष्णा नहीं, कृष्णा सीधा जाके अलग ही जाती है, कृष्णा किसी से मिलती नहीं है। और पंचगंगा इधर से आई है कोल्हापुर से, तो कोल्हापुर की तरफ से पंचगंगा आई है जो हमारे कुंडवाड़ से भी आती है। तो और ये दो नदियों का संगम है। ये संगम हमने उज्जैन में भी देखा है त्रिवेणी घाट पर। दो नदियों का संगम, संगम होने की वजह से लोग यहाँ पर क्रिया कर्म के लिए भी आते हैं अपने प्रियजनों के। अभी कृष्णा माई संत बह रही है, नहीं तो ये पूरा मंदिर पानी के अंदर होता है। थोड़े दिनों में पहले ही ये हालत थी यहाँ पर, हमारे भाग्य के हम जब आए यहाँ पर तो नदी अपने विशाल रूप में नहीं है। चलिए सीमा जी, हवा अच्छी आ रही है, आपको संगम देख लिया आपने। चलो